नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत से जो सहयोग चाहिए वो करने के लिए भारत वचन देता है, ऐसा कहना था भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की। दोस्तों, पिछले दिनों भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर नेपाल दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए, सभी राजनेताओं से मीटिंग किए, जिनमें शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दहाल प्रचंड, केपी ओली, माधव नेपाल लगायत कई सारे नेताओं से उन्होंने वार्तालाप किए। अब जाहिर तौर पर है कि भारत से नेपाल की फायदे और नेपाल से भारत को फायदा होने वाली डील्स बहुत सारी हुई होंगी जो दोनों देशों को फायदा दिलाएगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल में कोई विदेशी मंत्री नेपाल के क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी दिखाई हो। नेपाल के पिछले प्रदर्शनों से पूरा दुनिया प्रभावित है। वाकई में नेपाल एशियन गेम और एशिया कप दोनों में ही बहुत ही बेहतर खेला था। यही वो कारण है जिसके लिए एस जयशंकर ने अपने पहल से ही नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा नेशनल टीम के खिलाड़ियों से मीटिंग रखवाया, जिसमें कैन का अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद और सचिव पारस खड़का के अलावा नेशनल टीम के कप्तान रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, सोमपाल कामी लगायत 6 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। काठमांडू के द्वारिका होटल में हुई उस बैठक में एस जयशंकर ने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया। कैन के पदाधिकारियों ने फिलहाल कीर्तिपुर क्रिकेट स्टेडियम को गुण स्तरीय बनाने के लिए नेपाल और भारत के नेशनल टीम बीच कोई सीरीज खिलाया जाए तथा नेपाल क्रिकेट को एडवांस गैजेट के लिए प्रपोजल आगे बढ़ाया। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कैन के पदाधिकारियों को संबंधित निकाय को रिटर्न प्लानिंग सबमिट करने के लिए बोला। नेपाल क्रिकेट की असर बढ़ाने के लिए भारत सभी प्रकार की सहयोग करने के लिए तैयार है, उन्होंने जानकारी दिया। आई होप आने वाले दिनों में नेपाल क्रिकेट की दुनिया में अपना रुतवा बढ़ाएगा। इसी साल जून में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को तमाम बड़ी टीमों से भिड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर सभी खिलाड़ी अपना हुनर दिखा सकते हैं। आप कितना एक्साइटेड है नेपाल को T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी मेरे ही तरह टीम नेपाल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नेपाल से जुड़ी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।